नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाने व्यापार में आज किसे होगा लाभ और किसे नुकसान, आज कैसे रखें हेल्थ का ध्यान, नौकरी और करियर में आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या आज आपको मिल जाएगा आपके सपनों का पार्टनर। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब जानते हैं 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास फागुन है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु है। आज पंचमी तिथि रात 11:25 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज भरणी नक्षत्र शाम 4:56 तक रहेगा, इसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग वैद्यति योग रात 10 तक रहेगा, इसके बाद विषकंभ योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मेष राशि में रात 10:40 तक गोचर करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय सूर्य कुंभ राशि में दोपहर 12:56 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगा, आज चंद्रोदय सुबह 9 होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगा। आज राहु काल दोपहर 2 से शुरू होकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। आज मीन संक्रांति है। अब जानते हैं 14 मार्च 2024 का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि, चंद्रमा आज मेष राशि में है, आप अग्रणी हैं, हमेशा दूसरों को एक अप्राप्य उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नकदी के लिए कितने निचोड़े हुए हैं, आप हमेशा थोड़ा अतिरिक्त होंगे। आपको दोस्तों या सहकर्मियों से कोई सहायता नहीं मिल रही है, उन्हें लगता है कि आपको देने के लिए कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, क्योंकि आपको कुछ मदद की आवश्यकता महसूस हो सकती है, इसलिए महसूस करें कि सभी के पास अपने प्रतिबंध हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी, स्थिति की पूरी तरह से जांच किए बिना त्वरित निर्णय लेने से बचने की सलाह देते हैं। जब तक आपके पास इच्छा शक्ति है, तब तक आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज का प्यार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी जोश से भर जाएगी। अपने नए पार्टनर के साथ आनंद करने के लिए घूमने का प्लान बनाइए। ये प्लान एक दूसरे को जानने के साथ साथ दोनों को नजदीक लाने में सहायक होगा। इसके साथ किसी रोमांटिक दोस्त का साथ रहने से आप अपनी बात बिना संकोच कह सकेंगे, जो कि आपको रोज अच्छी स्थिति में पहुंचाएगी, आपको और आपके साथी को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। करियर के मामले में अगर आपके माता पिता व्यवसाय करते हैं तो आपको इस व्यवसाय का हिस्सा बनने का न्योता मिल सकता है, जिससे कि आप असमंजस में रहेंगे। ये निर्णय लेने में आपको समय लगेगा, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति के मामले में आज बस आपका ही दिन है, बहुत कुछ मिलेगा, कहीं से मोटी रकम भी, तो फिर देर क्यों, कुछ बड़ा निवेश कर डालिए। हेल्थ के मामले में आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा, और अगर आप मोटरसाइकिल चालक हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर आप समझदार हैं तो सड़क दुर्घटना होने से बचा सकते हैं, और ये आप पर निर्भर करता है। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा का गोचर ऑफिस में किसी काम को लेकर आपको निराश महसूस करा सकता है। आपको सोच समझकर कंपनी में काम करना चाहिए। आपकी लाइफ में आज किसी बात के कारण आप मेंटली कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड फील कर सकते हैं। शांत रहें और अपनी लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिविटी से भरने के लिए तैयार रहें। आपकी लाइफ में फिलहाल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे फ्यूचर के लिए सबक ले सकते हैं। अपने मन के पार्टनर से मिलने का ख्याल आपको आज उलझाए रखेगा। आपका धीरज और दृढ़ता आज या कल आपके लिए अच्छा परिणाम लाएंगे। आज शायद आप अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के बारे में सोचेंगे। पहले आप इस प्रस्ताव को लेकर कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अब आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगने लगा है। आप पूरा भरोसा रखें, अगर आप इस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो बाद में आपको पछताना नहीं होगा। हेल्थ के मामले में आज सुख सुविधा और ऐशो आराम की चीजों की खरीदारी करने के लिए बाजार की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। यदि बड़ी से बड़ी खरीदारी करने की आपकी क्षमता है तो क्यों नहीं कुछ अचल संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें। सेहत के मामले में आपके लिए जिम जाना आज बहुत जरूरी है। चिकित्सक से सलाह लेना ना भूलें, उसकी सलाह आपको निर्देशित ही नहीं करेगी बल्कि आपको उन व्यायाम करने को भी सचेत करेगी जिससे आपको नुकसान पहुंच सकता है।
शाम 4:30 से 5:15 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से एनर्जेटिक फील करेंगे। आपकी योजनाएं पूरी होंगी, ऑफिस या घर में अच्छे से काम कर लेंगे, किसी भी अधूरे काम को पूरा कर पाएंगे, आज अच्छे से काम कर पाएंगे। किसी सामाजिक समारोह में आज आपको अपनी पसंद का पार्टनर मिलेगा, उसका साथ आपको अपार खुशी देगा, वो आपकी जिंदगी में हर पल सुख दुख में आपका साथ देगा। कार्य क्षेत्र के मामले में व्यवसायिक प्रस्ताव मिल सकता है जिसके बारे में आप विचार करेंगे। शायद पहले आप इस व्यवसाय से नहीं जुड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें, क्योंकि अगर एक बार आप इस व्यवसाय में घुस गए तो फिर उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जीवन के भौतिक चीजें आने से जिंदगी का आनंद उठाएंगे, लेकिन सुख सुविधा में जीवन की अनमोल चीजें जैसे कि परिवार, मित्र और सेहत को नजरअंदाज ना करें। आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज किसी भी तरह के छोटे छोटे हादसों से बचें। ये हादसे बिजली यंत्रों से भी हो सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में काम करते समय, जैसे कि रसोई घर या टीवी देखते समय या फिर बिजली यंत्रों का इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार गहरा हरा रंग आज आपके लिए लकी होगा। सुबह 11 से 12 बजे का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या खास है आज। आज आप वास्तव में कुछ ऐसा सम्मान या प्रशंसा प्राप्त करेंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद आप एक निस्वार्थ कार्य में लगे हुए थे जो कि आपको लगा कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने काम पर अतिरिक्त मेहनत भी की होगी और आपको ये नहीं पता था कि आपका बॉस आपको इतनी करीब से देख रहा है। चलो जैसे भी हुआ, आपको बहुत खुशी होगी जब आपकी प्रशंसा की जाएगी और आपके दयालु या मेहनती प्रयासों को मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा। मेष राशि में चंद्रमा का आपकी भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके निर्णय अच्छे होंगे। आज कोई व्यक्ति आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा, ये आपकी जिंदगी में नई उमंग और जज्बात पैदा करेगा। अपने को पहली बार प्यार में पाकर आप हैरान होंगे। कार्य क्षेत्र के मामले में अपनी सही जगह प्राप्त करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिर रहे हैं। आज आप सोच रहे हैं कि आप अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलकर कोई नया करियर शुरू करें। आप जिस पदवी पर हैं वहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है और इसकी दिनचर्या से आप थोड़े बोर भी हो गए हैं। आप अब भी सही नौकरी की तलाश में हैं। आज अपने काम के बारे में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, लेकिन अपने सभी विकल्पों के बारे में सही से सोच लें। पैसा कमाने के साथ साथ अपने करियर में ऊंचा उठना भी आपके दिमाग में है। आप अपने काम और व्यवसाय दोनों में एकदम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी मोटी अड़चनों से घबराएं नहीं, ये तो आती जाती रहेंगी। हेल्थ के मामले में शारीरिक सेहत की तरफ बढ़ाए गए कदम में आज आप सफल रहेंगे। आपकी ये योजना आपको बेहतर परिणाम की ओर ले जा रही है। रोज योग करें, इससे आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, साथ ही शरीर में रक्त का संचार भी सही होगा। पीला रंग आज आपके लिए लकी रहेगा। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का कहना है कि दोपहर 2 से शाम 4 बजे का समय भाग्यशाली रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की, तो प्रिय सिंह राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा की स्थिति से आज कुछ जानकारों को फायदा हो सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार कलीग्स के साथ रिश्ते और मान्यता आपके लिए जीवन भर खुशी और आनंद ला सकती हैं। उन कॉम्पिटिशन से सावधान रहें जो आपकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आज का दिन भी आपके लिए कुछ ज्यादा ही खास रहेगा। इस गोचर की बढ़ती लोकप्रियता आपके सोशल इकोनॉमिक दायरे में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है। आज कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में खुशी और उत्साह लाएगा। ये अनुभव तब होगा जब आप उससे एकाएक मिलेंगे, उसके साथ प्यार और भावनाएं खुलकर बांटेंगे।
आज आप अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहेंगे। आपको खुद को बदलते समय के साथ बदलने के लिए तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपकी असीमित ऊर्जा और साथ ही आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आज आपको आश्चर्यजनक रूप से पैसा मिलेगा या आपके किसी सहयोगी या व्यवसाय से आ सकता है। हो सकता है किसी रिश्तेदार के साथ आपकी व्यवसायिक साझेदारी हो और ये पैसा उसकी तरफ से आ जाए। उनका शुक्रिया अदा करें। आप दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं। सेहत के मामले में आज आपको अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर व्यायाम को देना होगा ताकि आप स्वस्थ रहें। ध्यान रहे, ज्यादा देर तक बैठने से काम पर या घर में आप आलसी बन सकते हैं। आज के दिन आपका शुभ रंग नारंगी रहेगा। शाम 6 से 7 का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, चंद्रमा के मेष राशि में गोचर के प्रभाव के कारण आप में से कुछ लोग आज मानसिक और शारीरिक रूप से उच्च स्थान पर होंगे। आपके पास मन की शांति होगी क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं अब सामने आएंगी। आप अपनी ऊर्जावान भावना से सभी को मंत्रमुग्ध कर लेंगे। ये आज आपको अपने काम में अच्छे आउटपुट देने के लिए मदद करेगा। इस अद्भुत समय का सबसे अच्छा उपयोग करें। अकेले लोगों के लिए आज का दिन उनके लिए नया प्यार ला सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि इस मौके का आप कितना फायदा उठाते हैं। वो व्यक्ति आपके कार्यस्थल पर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से चलती रहेगी। आज आप अपनी कामकाजी जिंदगी में अधिक बदलाव महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको अपना काम बोरियत भरा लगेगा। आप जिस राह पर चल रहे हैं चलते रहें, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं। आगे चलकर इससे आपको लाभ ही होगा। योजनाएं आपने बनाई सब आज पूरी होती नजर आएंगी। आपकी जो जमा पूंजी है उसमें आज और बढ़ोतरी होगी। पैसा खर्च करने की बजाय कमाने पर ध्यान लगाइए। तरक्की के लिए कुछ आधुनिक कायदे कानून भी अपनाने होंगे। पैसा कमाने के साथ साथ जिंदगी का लुत्फ उठाना भी सीखिए। हेल्थ के मामले में आज आपकी सेहत में अच्छे बदलाव नजर आएंगे। हालांकि शुरू किया गया व्यायाम आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आज आप शरीर और दिमाग से खुद को ताजा महसूस करेंगे। आप शारीरिक श्रम एवं व्यायाम करते रहें क्योंकि इससे रक्त संचार बढ़ता है। पाचन क्रिया और सेहत भी अच्छी रहेगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का कहना है आज सफेद रंग आपको शुभकामनाएं देगा। आपका ऊर्जा स्तर 2 बजे के आसपास उच्चतम स्थान पर होगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उसके अनुसार कार्य हैं। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा आज मेष राशि में है। जब तक आपके पास खुला दिमाग है आप चीजों को कई अप्रोच से देख सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी रणनीति आपके लिए सबसे अच्छी काम करेगी। आप सबसे अच्छे कम्युनिकेटर हैं जो भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि तार्किक रूप से सोचते हैं। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आज आपको अपने से बड़े किसी व्यक्ति से बड़ी सलाह मिलेगी। आज के दिन आपके रास्ते में अप्रत्याशित रूप से कुछ चीजें आएंगी। आप इसे बेहद उपयोगी पाएंगे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको सलाह देते हैं कि आप इस अप्रत्याशित देवदूत के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। दोस्ती के रिश्ते में बदल जाने की आज प्रबल संभावना है, फिर भी उचित कदम उठाने के लिए एक दूसरे की भावनाएं समझने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र के मामले में आज आपके दिमाग में चलता रहेगा कोई विचार। खास तौर से औरतों के मन में साझेदारी का विचार आ सकता है। काफी सोचने और समझने के बाद आप इस साझेदारी के लिए हाँ कर देंगे। आपका निर्णय सही है और आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आज आपको अपने आर्थिक मामलों में अच्छी तरक्की दिखेगी और इससे आपको बड़ी खुशी होगी। असल में ये आपकी निरंतर और कड़ी मेहनत का ही नतीजा है, जो आज कुछ अल्प अवधि के लाभ मिल रहे हैं। इसका फायदा उठाइए। आज आप ज्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आलस छोड़कर ज्यादा व्यायाम पर ध्यान देना होगा। ठीक से व्यायाम ना करने के कारण आपको दर्द या मोच भी महसूस हो सकती है। आपको इस परेशानी का हल बाद में निकालने की जगह अभी निकालना होगा। अच्छी तरह से व्यायाम के लिए जिम शुरू करें।
आज लाल रंग पहनने से बचें, लाल रंग से दूर रहें। शाम 6:45 से शाम 7:45 का समय शुभ रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा क्रोधी मूड में हो सकता है, जिससे आपके करीबी व्यक्तियों के साथ अनावश्यक असहमति हो सकती है। जब आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा हो तो तनाव का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आज शांत और संयमित व्यवहार रखने की कोशिश करें और आप जो कहते हैं और करते हैं उस पर ध्यान दें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार अपना ध्यान अधूरे कर्तव्यों की ओर मोड़ना तो जरूरी है आपके लिए। आराम करने का एक शानदार तरीका भी है। आप आज अपने किसी पुराने बिछड़े दोस्त से मिल सकते हैं या आपको अपने पुराने रोमांटिक रिश्ते को फिर से जगाने का मौका देगा। कार्य क्षेत्र के मामले में इस समय सभी चीजें आपके अनुसार ही रहेंगी, सब कुछ आपके नियंत्रण में ही है। आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे हैं, आप बस इसी तरह चलते रहें तो सब कुछ आपके हक में रहेगा। लेकिन समझदारी इसी में है कि आप अपने खातों का ध्यान रखें। जिस प्रोजेक्ट को आप बहुत फायदेमंद समझ रहे थे वो शायद उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। आज आपका पूरा दिन किसी मुद्दे को सुलझाने में निकल जाएगा। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें आज कोई बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। साथ ही आपकी साख भी कायम होने वाली है। आप और आपकी कंपनी की अच्छी तरक्की होने वाली है। हेल्थ के मामले में आज आपको बिस्तर से उठकर खुद को व्यायाम करने के लिए बढ़ावा देना होगा। आपका मन नहीं करेगा मगर इसका लाभ आपको अभी नजर आएगा। आज के दिन आपका शुभ रंग रॉयल ब्लू रहेगा। दोपहर 1 से 2:30 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, चंद्रमा की मेष राशि में स्थिति बताती है कि आज आप खूब मौज मस्ती करेंगे। आज का दिन आनंद और विश्राम का होगा क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे और हाल ही में आपके जीवन में हुए परिवर्तनों पर विचार करेंगे। अपने आगे के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय निकालें और नए बौद्धिक रास्ते तलाशने में संकोच ना करें। अपने सभी विविध शौकों को ध्यान में रखें और उनके साथ मजे करें। ये ऊपर जाने के लिए एक महान क्षण है। आज आप एक बहुत ही दयालु हृदय व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिसका मधुर व्यवहार आपको आकर्षित करेगा। इसके साथ नजदीकी रिश्ता कायम करना आपके लिए अच्छा प्रेम संबंध साबित हो सकता है। विश्वास कीजिए, आप दोनों का एक साथ एक दूसरे का साथ खुशी देगा। दोनों अपनी भावनाएं खुलकर बांटें, यह आप दोनों की जिंदगी की यात्रा की शुरुआत साबित हो सकती है। आज के दिन भविष्य के लिए अपनी आर्थिक योजना बनाइए। आप अपनी योजना और लक्ष्य को तय कीजिए, उसके हिसाब से योजना बनाइए। देखिए कि उसमें कितना बजट लग रहा है। आपको लंबी अवधि की आर्थिक योजना में अपने लक्ष्य को चुनना आसान होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसी के हिसाब से कुछ आर्थिक योजना भी तैयार की जाए। हेल्थ के मामले में आज आपको अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता को बढ़ाना होगा। आप जिम और योग से अपने काम में अपनी क्षमता बढ़ा पाएंगे। व्यायाम के अंत में आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक हैं। आज के दिन आपका शुभ रंग गुलाबी रहेगा। समय प्रातः 11 से दोपहर 12 तक का शुभ समय रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आज आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। आपके पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चल रही थी उसका समाधान भी आ सकता है। समस्याएं काफी चुनौतीपूर्ण थी और आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित कर रही थी। समस्याओं का समाधान मिलने से आप आनंद से भरे रहेंगे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों का मानना है कि आज का दिन आपकी समस्याओं का कारण खोजने और स्थायी समाधान पाने के लिए आदर्श है। आज आपकी बड़े ही रुचिपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ रोमांटिक रिश्ता कायम होने की संभावना है। फिर भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचें, आश्वस्त हो लें कि ये सिर्फ ऊपरी आकर्षण तो नहीं, अन्यथा आगे आप पछता सकते हैं। करियर के मामले में आज वो दिन है जबकि आप कई क्षेत्रों में बहुत कुछ पा सकेंगे। आज आप कोशिश करें कि आप अपने सभी महत्वपूर्ण काम और अधूरे पड़े कामों को पूरा कर लें।
आर्थिक स्थिति के मामले में आज अचानक कोई बड़ा फायदा होगा, इससे पिछले दिनों के नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। इस फायदे का आपको सही तरीके से यूज करना चाहिए। आज के दिन आपको मुट्ठी बांध कर रखनी चाहिए और खर्चे कम करने चाहिए। हेल्थ के मामले में आज आपको आश्चर्य होगा कि सेहत पाने में इतना लंबा समय कैसे लग रहा है। आपको महसूस करना होगा कि दिन में कितनी बार असुरक्षित खाना लेते हैं आप और कितने बार तीव्र व्यायाम आपने किया है। आज के दिन आपको व्यायाम में समय बिताना चाहिए। आपके लिए शुभ समय सुबह 11 से दोपहर 12:30 बजे तक का रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके जीवन में नई खुशियां आने की संभावना है। आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बदलाव देखेंगे। ये बदलाव अच्छे के लिए होंगे, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस समय का अधिकतम लाभ उठाएं और किसी भी अधूरे काम को पूरा करने के लिए जोर लगाएं। अगर आप अपने लव लाइफ में अकेलेपन से उब चुके हैं तो आज अपनी किसी दोस्ती को रिश्ते में बदलते देख सकते हैं, जो प्यार और भरोसे से लबालब होगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको ज्यादा प्रयास किए बिना ही अपने काम में सफलता मिल जाएगी। आज आप पाएंगे कि आपके लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे हो रहे हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। यह आपकी कड़ी मेहनत और सही चुनाव का ही परिणाम है। आर्थिक स्थिति के मामले में, अगर आप किसी उद्योग बिजनेस से जुड़े हैं जहां कल्पनाओं व उम्मीदों पर काम होता है, तो आज का दिन लाभ वाला है। अपने व्यापार की तरक्की या कंपनी को आगे बढ़ाने की ताक में रहिए, अचानक ही कोई बड़ा फायदा होने वाला है। हेल्थ के मामले में आज आप महसूस करेंगे कि आप बहुत समय से बैठे रहने का काम कर रहे हैं और उसका हर्जाना आपके शरीर को देना पड़ रहा है। आज के दिन आपको एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए। शाम 6 से 8 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। दिन का सबसे शुभ रंग लाल रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, मेष राशि में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। आज आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि भी देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आज आपको अपनी सकारात्मकता का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने निकट के लोगों से भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशंसा आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी और आपको अगले दिन अपने कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आने वाले दिनों में भारी काम के बोझ से बचने के लिए आज ही अपने लंबित कार्यों को पूरा करने का सुझाव देते हैं। लव लाइफ के मामले में आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिलेगी जो आपका ख्याल रखने वाला है, समझदार और संवेदनशील है। इसके साथ आपका रोमांटिक रिश्ता बनने के संकेत है। मौका हाथ से ना जाने दें, अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें, नजदीकी रिश्ता बनेगा। यदि आप कानूनी क्षेत्र में काम करते हैं, खासकर कॉर्पोरेट क्षेत्र में, तब आज नवीन आश्चर्य व प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी नए प्रस्ताव के विषय में जानेंगे जो आपके लिए सही है अथवा कोई पदोन्नति संभव है। आर्थिक स्थिति के मामले में आप इन दिनों पैसा कमाने के कुछ नए रास्ते तलाश रहे हैं और कोई नई बढ़िया नौकरी भी, तो आज आपको कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। आप बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जज्बे को बनाए रखिए, इसका फायदा आपको अपने काम में दिखने वाला है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। ज्यादा तनाव के कारण आप महसूस करेंगे कि आपने ज्यादा कैलोरीज पुट ऑन कर ली हैं। इस परेशानी से दूर रहने के लिए आप ज्यादा व्यायाम करें। आप सुबह टहलने जा सकते हैं या फिर ट्रेडमिल पर 10-15 मिनट अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपके लिए आज शुभ समय शाम 4:30 से 5:30 का रहेगा। लाल रंग आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।